दोस्तों इस समय भारतीय टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर मौजूद है। पहले टेस्ट मुकाबले को भारतीय टीम ने जीतने के बाद इतिहास रचा, मगर दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ही केएल राहुल और एम्पायर के बीच में तगड़ी लड़ाई हमें देखने के लिए मिली बीच मैदान पे। और ये बात है छठवें ओवर की। आप भी देखना चाहते हो केएल राहुल और एम्पायर के बीच में क्यों तनातनी हो गई? यहाँ तक दोस्तों नौबत आ गई कि केएल राहुल ने अपना हाथ उठा लिया था एम्पायर के ऊपर। दूसरे टेस्ट मुकाबले में कप्तान कोहली बाहर हो गए और केएल राहुल को नया कप्तान बनाया गया। कप्तान केएल राहुल ने पहले टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। मयंक अग्रवाल हालांकि ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए, मगर केएल राहुल ने हाफ सेंचुरी जड़ दी। दोस्तों बात जब की है, जब छठवां ओवर चल रहा था, छठवें ओवर के दौरान भारत की ओर से बल्लेबाजी कर रहे थे केएल राहुल। सामने से कगिसो रबाड़ा गेंदबाजी करने के लिए आए थे। दोस्तों कगिसो रबाड़ा ने अपना एक्शन ले लिया था गेंदबाजी कराने के लिए और एंड टाइम पर केएल राहुल विकेट से पीछे हट गए, यानी कि मना कर दिया गेंदबाजी कराने से। जिसके बाद दोस्तों एम्पायर का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया। एम्पायर ने चेतावनी दे दी केएल राहुल को और दोस्तों ये मामला यहीं शांत नहीं हुआ। केएल राहुल को सभी दर्शकों के सामने बीच मैदान पे एम्पायर से माफी तक मांगनी पड़ गई।